पहले कुछ तरह से पहले चल रहा था पैदल से, अभी जो है सो बुलेट में चल रहा है। वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लथक जाता है, पीछे जो है सो कोई किसी को फंस जाता है तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। खाना का विषय में एक हड़िया भात जो है सर थोड़ा सा उसको बीबी को मिलता है ना तो पूरा खा लेता है। चावल जो है सो ऐसा करके तो एक बोरा चावल बोलता है तीन दिन से चार दिन से खत्म कर देता है सर। उसका बारे में नहीं बोलिए, दो चार दिन में जहां जहां मिल जाता है कहीं शादी ब्याह में तो पूरा हड़िया खा कर खत्म कर देता है। बिहार के कटिहार जिले के रफीक अदनान से मिलिए, वजन 200 किलो से ज्यादा है। इनकी खुराक के बारे में तो आपने इनके दोस्तों से सुना, अब इनकी भी सुन लीजिए। 3 किलो चावल का भात खा जाते हैं, 3 किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं, रोटी मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो। जो भी रफीक अदनान को देखता है कहे बिना नहीं रहता, हे भगवान ये आदमी है या फिर कोई बुलडोजर। कटिहार के जयनगर गांव के रहने वाले अदनान मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इनका भोजन पर कोई कंट्रोल नहीं है। रफीक ने 2 शादियां भी की है। गांव में रफीक को देखकर लोग कहते हैं बुलेट पर जीजा जी। अब बुलेट भी रफीक का वजन नहीं झेल पा रहा है। 2 क्विंटल के वजन के कारण चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा। गाड़ी भी बुलेट भी दम छोड़ दे रहा है। अदनान रफीक के वजन की वजह से बुलेट बाइक की रफ्तार भी अब धीमी होने लगी है। मजे की बात यह है कि रफीक अदनान के पेटू होने की वजह से घर में जो खाना बनता है उसमें से इतना भी नहीं बचता जिससे उनकी दोनों बीवियों का पेट भर सके। ऐसे में अब डॉक्टर कहते हैं रफीक को इलाज की सख्त जरूरत है। देखिए, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बुलेमिया नर्वोसा बोलते हैं। इस बीमारी में मरीज अत्यधिक भोजन करता है जिसकी वजह से उसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किस इस तरह की कोई बीमारी तो उसको नहीं है। दूसरा, उस इंसान का हार्मोनल टेस्ट होना चाहिए जिससे ये समझ में आए कि हाँ हार्मोनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अदनान के खाने की आदत से परेशान इनके पड़ोसी और रिश्तेदार भी अब इनको अपने यहाँ किसी फंक्शन में नहीं बुलाते, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं वहाँ अकेले कई लोगों का खाना चट कर जाते हैं। रफीक अदनान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ईटीवी भारत के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।